हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। ये देखिए, मैं आज आप लोगों को एक रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने घर पे बनाया है नमकीन, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये खाने में। ये देखिए गाइस, कितनी स्वादिष्ट मैंने चूड़ा की, और ये देखिए कितना अच्छा मैंने साबूदाना भुना हुआ है, तला हुआ है, मूंगफली के दाने हैं। ये देखिए, लाई है, इसमें खील है, बहुत सारे आइटम पड़े हुए हैं, और ये हेल्दी भी है और स्वादिष्ट भी है। अभी इसमें मैं मखाना भी भूनूंगी। ये देखिए, मैं भून के रखी हूँ, तीन तरह के बनाए हैं। ये है साबूदाना और मूंगफली, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, हेल्दी भी है। रोज़ रोज़ नमकीन खाने से तो शरीर में नुकसान ही पहुंचेगा। ये देखिए, मैंने तला हुआ है अच्छे से, फिर कंटेनर में इसको भर देंगे। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है नमकीन। और ये देखिए, मैंने नमक पारे भी बनाए हैं, बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में बैठ के बढ़िया आराम से चाय बना के खाइए। ये देखिए, मैं भून रही हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अभी मैं एक एक करके हर चीज़ भून लूँगी, फिर इसको सब मिला के फिर कंटेनर में भर के रख देंगे। आप इसको कितने भी 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, कितने भी दिन हो, बस नमी कंटेनर एकदम वो होना चाहिए, सूखा हुआ, गीला ना हो, ताकि नमी ना आए। और अब मैं अच्छे से इसको करारा हो गया है, ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट है। बाजार का खाने से ना देखिए कितना तेल खराब रहता है, वो उसी में बार बार तलते हैं, बार बार तलते हैं। एक बार अगर बनाते हुए देख लेंगे ना, तो आप खाएंगे नहीं बाजार का। मैं तो ज़्यादातर घर पे ही बनाती हूँ, मैं बाहर का बहुत कम खाती हूँ। अभी मैं इसको कंटेनर में रख के फिर अच्छे से, देखिए एक नमकीन तैयार हो गई। इसमें भी मैंने मिलाया हुआ है साबूदाना, वो अलग रखेंगे और ये अलग सब मिला के रखेंगे। और ये अलग है, ये अलग है। किसी दिन बेसन के सेव बनाऊंगी, तो फिर मैं आप लोगों को एक वीडियो भेजूंगी, बहुत ही स्वादिष्ट है। ये देखिए, ये अब करारा हो गया है, अब इसको उतार लेंगे, फिर इसी में चिप्स तलेंगे, फिर वो भी मिला देंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे जब मैं नाश्ता लगाऊंगी। फिलहाल आज के लिए तो मैं यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है, इसलिए जल्दी अपलोड नहीं होता है। आप लोग कमेंट तो करते नहीं हैं, देखते हैं नहीं, मेरे वीडियो पसंद नहीं आते क्या? बता दिया करो पसंद नहीं है तो। देख, जब व्यूज़ नहीं आते हैं, देखते नहीं आप लोग, तो फिर वीडियो डालने का मन नहीं करता है। वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया खा के। देखिए, मैं मसाले कुछ नहीं मिलाती हूँ, काला नमक इसमें डालती हूँ बस, मसाले मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मसाले ही खाने हो तो फिर बाहर का खाइए, घर का खाने से क्या मतलब। अगर आपको इसमें थोड़ा तीखा खाना हो ना, तो आप मिला सकते हैं। वो भी क्या मिला है, दिखाएं आपको, दिखाते हैं। ये देखिए, ये वाला आप नमक इसमें डाल सकते हैं, सील पे पीसा था मैंने, कितना स्वादिष्ट नमक, महक आ रही, जैसे ही डिब्बा खोलो महकता है, इतना स्वादिष्ट है ये। चलिए दोस्तों, फिर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।